नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। नमस्कार, कानूनी जंग बिहार प्रदेश पूर्वी चंपारण से, मैं आलोक रंजन। आज हमारी टीम कानूनी जंग की टीम बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण प्रखंड तेतरिया ग्राम पंचायत राज नरहा पानापुर में पहुंचे। आज मुखिया प्रतिनिधि जी से बात करते हैं कोरोना के संदर्भ में, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपदा आया, ओलावृष्टि हुआ, जिसके वजह से फसलों का भी बहुत सारा नुकसान हुआ, उस पर भी बात करते हैं मुख्य प्रतिनिधि से। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? राम बाबू राय। सर, यहाँ पे कोरोना के संदर्भ में आपके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई? यहाँ सरकार का जो चिट्ठी आया, जो दिशा निर्देश मिला से चिट्ठी हुआ है जी, उसके हिसाब से सैनिटाइज माने सैनिटाइज करना है, मास्क साबुन ये सब साबुन जी 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 सब लोग को दिया, तो जनरल कर दिए जी, जनरल किए हैं जी जी, मास्क भी जनरल। क्या अपने यहाँ पेशेंट वगैरह भी कोरोना का आया? नहीं, तो कोई पेशेंट नहीं आया है, लेकिन बाहर से लोग आने वाला या आया है उस पर कड़ी नजर हमारा है जी। अच्छा, कुछ लोग बाहर से, अभी तक जो बाहर से पहले जो लोग आए उनका स्क्रीनिंग टेस्ट या कुछ टेस्ट मेडिकल टीम के द्वारा करवाए थे? हाँ, लगातार करवा रहे हैं। लगभग अभी तक कितने व्यक्तियों का करवा चुके हैं? 200 से ऊपर आदमी का टेस्ट करवा चुके हैं। बढ़िया, 200 से ऊपर का करवा चुके हैं। और मुखिया जी, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा आपदा आया था, ओलावृष्टि हुआ, जिससे किसानों का बहुत सारा फसल नष्ट हो गया, घर बहुत सारा गिर गया और एल्बेस्टस वगैरह फूट गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ, रवि फसल में गेहूँ मक्का उनका ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम अपना जानकारी पूरा तो उधर से कोई राहत वगैरह किसानों को या जिनका घर बर्बाद हो गया वैसे लोगों को कुछ राहत अभी तक मिल पाया है या नहीं? नहीं, राहत अभी कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन वो लोग बोले जो सरकार का जैसा दिशा निर्देश होगा। अच्छा, वो लोग अपने से आकर के वो सारा निरीक्षण कर लिए, छानबीन कर लिए और वो रिपोर्ट तैयार करके ले गए? और कोरोना पे आप विशेष कुछ समाज को या आपने पूरे देश को कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं या कुछ जानकारियां देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं? कोरोना के लिए तो यही जानकारी देना है, जो सब लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे जी जी, घर में रहने से ही इसका कोई इलाज है, ताकि दवा मिले ज़्यादा कोई हम लोग को समझ में नहीं आएगा इलाज करने का होता है जी जी, घर में रहे लोग सुरक्षित रहे, जो जहाँ है वहाँ घर में रहे। चलिए, धन्यवाद। मैं आलोक रंजन, कैमरामैन मदन के साथ।